हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टुडे सेकेंड ऑफ मे एंड वी आर हेयर विद डेली करेंट अफेयर्स क्लास सो क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सारे लोग क्लास में आ चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज हमें जो कवर करने हैं राइट सो लेट्स बिगिन द सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आज का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और कल का डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट था कल लेबर डे था है ना अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें बिहार के करंट अफेयर्स भी चाहिए तो उसके लिए एक अलग से आपको क्लास मिल जाएगा एक अलग से सेशन मिल जाएगा जहां पे आपको मंथली पूरे बिहार का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा लेकिन जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी डेली बेसिस पे वो आपको क्लास में यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा अब जैसे आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि 3.08 लाख टन लीची अकेले बिहार प्रोड्यूस करता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना लाख टन देखिए इसमें ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा अंदाजा में अगर मान लीजिए ऑप्शन में आएगा 30 लाख टन तो आपको आईडिया होना चाहिए कि नहीं 30 लाख टन नहीं 3 लाख टन है ठीक है किस चीज का लीची का है ना बिहार इसको प्रोड्यूस करता है और करीबन ये 37 ठीक है थर्टी सेवन थाउजेंड हेक्टेयर में बिहार में अलग अलग स्टेट आपको पता है मुजफ्फरपुर लीची जीआई टैग भी मिल चुका है तो बिहार में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं यहाँ पे इसका बाग फैला हुआ है हम लोग फल के जो खेत होते हैं उसको ऑर्चर्ड्स कहते हैं है ना तो यहाँ पे इसका बाघ फैला हुआ है और देश भर का बयालीस प्रतिशत यानी कि फोर्टी सेकेंड फोर्टी टू परसेंट लीची पूरे देश का ये अकेले बिहार प्रोड्यूस करता है तो अब हमने बात की है कि हम बेसिकली uh, फार्मर्स uh, के इनकम को डबल करने की बात कर रहे हैं यानी किसान के जो इनकम है उसको और बढ़ाने की बात की जा रही है तो ये कैसे बढ़ेगी क्या ये हमेशा धान और गेहूं से ही बढ़ेगी नहीं यहाँ पे हमें फार्मर को ज्यादा से ज़्यादा हॉर्टिकल्चर की ओर लाना होगा यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल की ये खेती करे इस तरफ हमें फार्मर्स को लाना होगा तो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल बिहार के फार्मर्स के लिए है लीची है ना तो बिहार के फार्मर्स अगर लीची प्रोड्यूस करते हैं तो उनको एक रेमोनरेटिव प्राइज मिलता है रेमोनरेटिव प्राइज यानी कि सही मूल्य ऐसा नहीं है कि इनको किसी तरह जल्दी जल्दी में गेहूं की तरह या धान की तरह जल्दी जल्दी में चीजों को अपने जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेचना होगा नहीं लीची का इनको एक रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलता है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनलैंड कंटेनर डेपोर्ट अब इनलैंड क्यों क्योंकि बिहार जो है उसके पास समुद्री तट तो है नहीं है ना तो बिहार के पास गंगा नदी है और बहुत सारी ऐसी नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है तो हमने एक डेपोर्ट बनाया इनलैंड इनलैंड कंटेनर डेपोर्ट बनाया और ये कहाँ पे बनेगा बिहिटा में बनेगा ठीक है पटना के पास बिहटा है आई भी जो है पटना का वो बिहिटा में ही है यहां पे ये डेपोर्ट बनेगा वाइल एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे यानी कि किसी भी तरह से हमें हमने लीची का उत्पादन कर दिया और हम लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं आजकल जिसमें वर्ल्ड बैंक का रिजल्ट आया है वर्ल्ड बैंक में हम अड़तीसवें पोजीशन पे हैं तो लॉजिस्टिक यही हुआ यानी कि हमने उसको स्टोर किया है डेपोर्ट बनाया है ताकि वो और ट्रांसपोर्ट हो सके इसको वाटरवेज से भी ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको एयरवेज से भी ट्रांसपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको पता है कि ये जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेज हैं ये कहाँ बनेंगे तो ये पटना एयरपोर्ट पर बनेंगे राइट पटना एयरपोर्ट का नाम किन नाम के ऊपर है ये आप बता सकते हैं और दरभंगा एयरपोर्ट पर बनेंगे ठीक है तो पटना एयरपोर्ट पर भी बनेंगे और दरभंगा एयरपोर्ट पे ये डेपोर्ट बनेंगे और फार्मर को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा तो बिहार में इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है ये इसको याद रखेगा पटना और दरभंगा एयरपोर्ट पे डेपोर्ट बनेंगे किस चीज के लिए लीची के लिए साथ ही साथ आपने कुछ फैक्चुअल रिपोर्ट भी देखे कि थ्री लाख टन लीची प्रोड्यूस होता है बिहार में जो कि सैंतीस हजार हेक्टेयर में फैला हुआ है ये बाग और 42 परसेंट लीची पूरे देश का बिहार अकेले प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें नालंदा यूनिवर्सिटी अच्छा एक क्वेश्चन आता है बार बार कि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है और इसमें ऑप्शन रहता है नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी और बहुत सारे बच्चे को लगता है कि नहीं नालंदा तो बहुत पुराना है और इस तरह से वो नालंदा यूनिवर्सिटी क्योंकि हमने हमेशा अपने जो हमने पढ़ा है हिस्ट्री है ना गुप्ता पीरियड के बाद उसके बाद हमने नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ये सब का नाम सुना है तो हमको लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी सही होगा लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए कि एक समय की बात है कि जब धनानंद था धनानंद है ना धनानंद नंद डायनेस्टी का दसवां राजा था और इनके दरबार में इनके दरबार में कौन आए थे कौटल्य आए थे कौटल्य आपको पता है चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं इनको और उसके बाद इनको चैलेंज करने के बाद इन्होंने कौन सा वंश स्थापित किया तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है ना मौर्य वंश आया उसके बाद आ, सून आया उसके बाद कन्ना आए है ना उसके बाद जाकर गुप्ता डायनेस्टी आता है और गुप्ता डायनेस्टी में कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी राइट तो ऑब्वियस बात है कि अब यहां पे इससे क्या पता चल रहा है तो कौटल्या कहाँ पढ़ाते थे कौटल्या कहाँ के शिक्षक थे कौटल्य जब आए थे उसी समय ये कहां से आए थे तो ये तक्षशिला से आए थे ये थे मगध के लेकिन ये पढ़ाते थे तक्षशिला में तो ये तक्षशिला जो कि अब ये कहा गांधार पाकिस्तान में पड़ेगा तो वहां से कौटल्य आए थे धनानंद से इनकी बात हुई फिर चैलेंज हुआ उसके बाद मौर्य डायनेस्टी बना उसके बाद जाकर गुप्ता डायनेस्टी बना फिर गुप्ता डायनेस्टी में कुमार गुप्ता आते हैं और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की तो अब आपको पता है कि कौन सा पहल पुराना है ज्यादा राइट तो तक्षशिला ज्यादा पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी से भी पुराना है अब न्यूज़ क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बने हैं और इनका नाम है अनविद अरविंद पनगड़िया है ना तो ये रेनाउंड इकोनॉमिस्ट है पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है इनको प्रोफेसर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के और अरविंद पनगड़िया इनको इनको चुना गया है, इनको किया गया है है अपॉइंट किया कि ये चांसलर बनेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के राइट नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि स्टैब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा आपको पता है कि खिलजी मतलब बख्तियार खिलजी जो है वो आते हैं और इसका इसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं बहुत इतनी किताब थे कि काफी टाइम तक ये जलते रहा तो ये सारी हिस्ट्री में आपको बातें पता है है ना तो अभी आप समझ रहे हैं कि एक एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था और इट इज ऑपरेटेड अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है इट इज ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है तो ये किसके सुपरविजन के अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन के अंदर है ये जो मिनिस्ट्री है इसको थोड़ा गेस करना मुश्किल है क्योंकि जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जनरली सोचेंगे एजुकेशन है या फिर आप सोचेंगे कि आ, कोई कोई भी मिनिस्ट्री सोच सकते हैं बस आप ये थोड़ा गेस करना मुश्किल है तो ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक राइट अब यहां पे सेवेंटीन ईस्ट एशिया समिट आर पार्टिसिपेटिंग दिस यूनिवर्सिटी इसीलिए ये मंत्रालय है, है ना क्योंकि जो ईस्ट एशिया के देश हैं, वो यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि आपको पता है कि बुद्धिज्म के बारे में यहाँ पे काफी ज्यादा वर्णन है स्टैब्लिशमेंट के बारे में बताया गया है तो बिहार इज अ लैंड ऑफ फ्लोरिशंग कहाँ से ओरिजिन हुआ है बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ जानिज्म का ओरिजिन हुआ तो यहाँ पे ईस्ट एशिया के देश जैसे हीन और महायान में आपको पता है बटे हुए हैं तो ये सारे सत्रह ऐसे देश हैं जो यहां पार्टिसिपेट करते हैं एज मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी फाइन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के बारे में कहा गया है कि बिहार अगर वर्क, वर्कर्स की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है वर्कर का क्या मतलब होता है अब जैसे आप लोग आईटी कंपनी सुनते हैं तो आईटी सेक्टर है वहां पे रजिस्टर किया हुआ है सारी चीजें सैलरी टाइम पे मिल रही है लोगों के पास एक प्रॉपर ऑफिस है लोग जाते हैं टाइम पे टाइम पे आते हैं लेकिन कुछ मतलब ज्यादातर लोग जो हैं वो कैसे होते हैं कि मजदूर हैं है ना उनको नहीं पता है कि आज काम मिलेगा नहीं मिलेगा आपकी हाउस हेल्पर हैं आपने कहीं उनको रजिस्टर नहीं करवाया है है ना उनको नहीं पता है उनके ऐसे राइट्स नहीं है उनको ऐसा पेज नहीं मिलता है कि आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है अगर आपके फैमिली में कोई बीमार होता है तो आपको इंश्योरेंस दिया जाता है ये सब गुडविल पे काम करता है यानी कि यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो बिहार में बोला जा रहा है देश में जो सब सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज या असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक के मामले हैं वो बिहार इसमें सेकेंड नंबर पे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है और आप जनरली यूपी को टिक कर देंगे तो नहीं फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है ठीक है तो अब बोला जा रहा है कि दिस हैज बीन रिवील्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ ई लेबर पोर्टल तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो ई श्रम आया पोर्टल ई श्रम पोर्टल ई लेबर पोर्टल तो यहाँ पे ये पोर्टल बनाया गया ऑनलाइन और सभी को यहाँ रजिस्टर करने की बात की गई और अभी तक यहाँ पे आप देखेंगे टू करोड़ एट्टी फाइव लाख वर्कर अभी तक यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं हो चुका है इनका रजिस्ट्रेशन अगर आप एक रिपोर्ट के देखें रिपोर्ट में देखें तो उड़ीसा और बिहार हमेशा वन टू के लिए आता है तो अभी बिहार सेकेंड नंबर पे है और उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश और पंजाब जो है वो थ्री फोर में है फिर फाइव सिक्स में आपका मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल है तो ये रिपोर्ट हमेशा बदलती रहती है अभी का देखा जाए तो ये बिहार जो है वो सेकेंड नंबर पे है अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे ठीक है तो ये हो गया एक राइट right? अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है यानी कि बिहार में भी हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड देख ले कि क्या हो रहा है एक नेशनल ड्रैगन बोट कंपटीशन हो रहा है ठीक है तो नाव जो चलाया जाता है चप्पू चलाने का कंपटीशन इसमें बिहार को छह गोल्ड मेडल मिले हैं उत्तराखंड को भी गोल्ड मेडल मिला है बिहार झारखंड को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है और जम्मू कश्मीर को भी यहाँ पे मेडल मिला है जम्मू कश्मीर को ब्रॉन्स मेडल मिला है ये इन मेन्स कैटेगरी ऑफ फाइव मीटर रेस तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बिहार को कौन सा बिहार को यहां पे कौन सा स्थान मिला है बिहार को गोल्ड मेडल मिला है किसमें 500 फाइव मी हंड्रेड मीटर रेस में 500 मीटर रेस में आपको मेन कैटेगरी में बिहार को गोल्ड स्थान मिला है बिहार गॉट गोल्ड झारखंड गॉट सिल्वर केरला गॉट ब्रॉन्ज ठीक है तो ये आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में वुमेन्स कैटेगरी में बिहार जो है इनको मिला है और बिहार को मिक्स में भी मिला है ठीक है 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 मिक्स में यानी मेन और दोनों जहां है, वहां पे भी बिहार को गोल्ड मेडल मिला साथ ही साथ 200 मीटर का जो रेस हुआ है इसमें भी बिहार को गोल्ड मेडल मिला है ठीक है इसमें भी बिहार को गोल्ड मेडल मिला है इन मेन एंड विमेन कैटेगरी ईच ठीक है मेन एंड वुमेन कैटेगरी ईच इन दोनों में मिला है यानी कि फाइव हंड्रेड में भी मेन कैटेगरी में बिहार को गोल्ड मिला है वुमेन कैटेगरी में भी बिहार को गोल्ड मिला है टू हंड्रेड में भी मेन वुमेन में बिहार को गोल्ड मिला है और मिक्स में भी बिहार को गोल्ड मिला है तो जो नेशनल ड्रैगन बोट कॉम्पिटिशन हुआ है इसमें बिहार को टोटल छह स्वर्ण पदक मिले हैं ये आपको ध्यान रखना है नेशनल ड्रैगन बोर्ड बोट यानी कि नाउ ठीक है ये कॉम्पिटिशन में यहाँ पे बिहार को टोटल छह स्वर्ण पदक मिले हैं तो, ये एक हो गया। तो आपके बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज भी हमने यहां पे कवर कर लिया है बिल्कुल इसको किया जाएगा। और के में आपको बिहार के लिए एक अलग से मिल जाएगा क्लास जहां पे सारे मंथ के आपको करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे फाइन चलेंगे अब है इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर्स डे तो आपको पता है कि ये कब मनाया गया है इस थोड़ा सा और एक्टिव हो जाइए आप लोग कमेंट सेक्शन में ठीक है हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग ठीक है ठीक है सारे लोग कमेंट सेक्शन में एक्टिव हैं आंसर्स बताना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस या फिर लेबर डे लेबर सिर्फ वो लेबर नहीं होता है जो मजदूर होते हैं या घर बना रहे हैं या इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हर काम करने वाले को लेबर कहते हैं ठीक है इसलिए आपको वर्किंग क्लास 15 साल से लेके उनसठ साल तक जो है हम वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कहते हैं कोई भी काम इवन वॉट आई एम डूइंग ये भी एक तरह का लेबर है है ना आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो लेबर नहीं है जहां पे जॉब मिल रहा है कोई आदमी जॉब कर रहा है उनको उस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं तो वो काम लेबर होता है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो सकता है फाइन तो यहाँ पे लेबर डे है अब लेबर डे का इतिहास अगर हम देखें तो ये शुरू होता है अमेरिका से अमेरिका में लेबर डे ये ओरिजिन हुआ था क्योंकि यहाँ पे लेबर यूनियन मूवमेंट चला था ठीक है तो यहाँ पे अमेरिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है यहाँ पे श्रमिक संघ आंदोलन शुरू हुआ था उन्नीसवी सेंचुरी में ठीक है उसके बाद अमेरिका और कनाडा ने अपना पहला लेबर डे जो है वो सेलिब्रेट किया कैसे ये बोले ये बोले कि जो पहला मंडे होगा सेप्टेम्बर का हर साल तो वहां पे हम लेबर डे मनाएंगे ठीक है तो पहला मंडे ऑफ सेप्टेंबर अमेरिका और कनाडा कहता है कि यहाँ पे हम लेबर डे बनाएंगे फिर लेबर डे वाज डिजाइन एज अ डे टू सपोर्ट वर्कर्स ठीक है तो वर्कर को सपोर्ट करने के लिए कहां पे जो ट्रेड यूनियन है सोशलिस्ट ग्रुप है ये आपका लेबर डे को इस तरह से एक दिवस के रूप में यहां पर डाला गया फाइन अब देखेंगे हेमाट अफेयर्स ठीक है इन द मेमोरी ऑफ हेमाट अफेयर्स इन 1886, शिकागो अमेरिका इसको यहां से शुरू किया गया था क्योंकि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये हैमार्ट है, है इसको है मार्केट अफेयर से इसको शुरू किया गया था 1986, शिकागो में अमेरिका में इसको शुरू किया गया साथ ही साथ आप देखें कि इंटरनेशनल इंडिविजुअल शुड नो दैट इंडिया सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल वर्कर्स डे भारत कब सेलिब्रेट करता है फर्स्ट में और बहुत सारा ऐसा देश है जो फर्स्ट मे को सेलिब्रेट करता है ठीक है भारत में लेबर डे को लेकर थोड़ा सा इतिहास अलग है है ना कैसे शुरू होता है ये चेन्नई 1923 से शुरू होता है तो अमेरिका में ये 1886 से शुरू होता है लेकिन भारत में जो लेबर 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 डे डे सेलिब्रेट होता होता है 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 1923 से शुरू ऑफ ऑफ हिंदुस्तान हिंदुस्तान ठीक किसान पार्टी ने सबसे पहले लेबर डे को शुरू किया था तो भारत में भी बहुत सारे छोटे छोटे आजादी के पहले ऐसे पार्टीज बने थे जिसमें से एक पार्टी है लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान लेबर किसान पार्टी में बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर थे ठीक है तो चटियार आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में तो इन्होंने सजेस्ट किया था सबसे पहले कि इस दिन नेशनल हॉलिडे होना चाहिए और फर्स्ट मे को हम लेबर डे मनाएंगे जिसको हम कामगार दिन कामगार दिवस इस तरह से भी हमने नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक श्रमिक दिवस भी बोलते हैं और इस तरह से भारत में ये आपका वर्कर्स डे या लेबर डे मनाया जाता है 1923 में कौन से पार्टी ने शुरू किया था लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में सबसे पहले ये लेबर डे की शुरुआत की थी है ना साथ ही साथ फर्स्ट मे को एक और दिवस मनाया जाता है फर्स्ट मे को आपका महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है तो महाराष्ट्र और गुजरात दिवस मनाया जाता है क्योंकि पहले ये दोनों ही को मिलाकर हम क्या कहते थे बॉम्बे कहते थे है ना बॉम्बे तो ये पूरा जो एरिया था उसको बॉम्बे कहा जाता था फिर क्या हुआ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र डे और महाराष्ट्र दिवस ये अब एक मई को सेलिब्रेट हुआ क्योंकि वेस्टर्न इंडिया के ये दोनों स्टेट जो हैं 1960 में 1960 1960 में ये दोनों स्टेट बने और एक मई 1960 को ठीक है यहाँ पे इसको बनाया गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ठीक है मराठी और गुजराती बोलने वाले जो लोग हैं उनको अलग करके लिंग्विस्टिक, बनाया गया। लिंग्विस्टिक सबसे पहले बनने वाला स्टेट कौन सा था तो मद्रास से तमिलनाडु और आंध्र को अलग किया गया था है ना मद्रास में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है ये दोनों बने थे मद्रास से जैसे ये बॉम्बे से क्या बने हैं महाराष्ट्र और गुजरात फाइन क्लियर है चलेंगे नेक्स्ट आप देखें नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलिपींस में है इससे इन्होंने सबसे ज्यादा लोन लिया हुआ है लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ एडीबी लोन्स इन एशिया तो ये आपको पता है कि कौन है तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने एडीबी में 2022 की अगर रिपोर्ट देखे तो पाकिस्तान ने 5.58 5.58 यूएस डॉलर बिलियन का लोन लिया गया है और ये रिपोर्ट जो टोटल यहाँ पे लोन दिया गया है ये 31.8 यूएस डॉलर 31.8 बिलियन का लोन दिया गया है चालीस अलग अलग कंट्री को जिसमें अकेले पाकिस्तान ने 5.58 बिलियन डॉलर का लोन लिया है आपको पता है कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा आर्थिक संकट है अभी जैसे रोजा चल रहा था तो एक रिपोर्ट हम देख रहे थे राज्यसभा टीवी जो अब संसद टीवी है तो उसमें बताया मतलब दिखाया जा रहा था पाकिस्तान के बारे में अब वहाँ पे फल सब्जी खाने के लिए भी लोगों को सोचना पड़ता है अब आपके आपके यहाँ मतलब आलू प्याज जो है वो बीस तीस चालीस मैक्सिमम इतना में मिलेगा टमाटर है वहां पे सीधे दो सौ रुपये में है फिर और भी ब्लॉगर्स जो होते हैं वो पाकिस्तान का दिखाते हैं रिपोर्ट तो इवन एम भी जो है हमारा अगर कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पर लिखा है बीस तो नहीं वहां पे वो पचास रुपए में मिल रहा है तो पाकिस्तान में अभी काफी ज्यादा आर्थिक संकट है हम इस चीज में लकी हैं मतलब देखो हम लोग काफी जितना भी क्रिटिसाइज करें गवर्नमेंट को या कितना भी हम लोग ऊपर नीचे बोले कोई भी गवर्नमेंट नॉट जस्ट से प्रेजेंट गवर्नमेंट लेकिन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है, किया जाता है लेकिन एक इतना स्ट्रॉन्ग नीव रखना हम वी विल नॉट एक्सपेक्ट ना कि अभी अनिल चौहान जो की चीफ डिफेंस स्टाफ है ना वो अचानक से अटैक कर दें और मोदी जी को बोले कि नहीं अब आपका टाइम

उस समय इतना स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और वो भी ऐसे लोगों के साथ मतलब कितने ही लोग पढ़े लिखे थे उस समय इलेवन परसेंट आस पढ़े लिखे थे उस समय वहां उस समय लोगों को समझाना कि क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हमने वहां पे कोई भी फिल्टराइजेशन नहीं किया है ये नहीं कहा है कि फलाना जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम क्या हुआ था कि किसी के पास अगर प्रॉपर्टी है और कोई मेल है तो ही वो वोट कर सकते हैं हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं था कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति बस वो उस समय था कि इक्कीस साल से ज्यादा हो तो उससे ज्यादा हो वो वोट कर सकता है यानी कि आप एक ऐसे देश में जहां पे लोग लिटरेट नहीं है 90% परसेंट से ज्यादा लोग लिटरेट नहीं है जो पढ़े लिखे नहीं है उनको आपने एक इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझा दिया पूरा पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो समझा दिया आपने ये बता दिया कि किस तरह से वोट करेंगे आप डायरेक्ट इलेक्शन समझा दिया इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी बीपीएससी की आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं समझ में आता है, है ना और उस समय गांधी जी और वहां पे जो पैनियल लीडर्स थे उन्होंने ये सारा चीज सेटअप कर दिया फिर आप पटेल को याद करते हैं यूनिफिकेशन के लिए तो ये दिस इज वेरी मतलब आपको अप्रिशिएट करना चाहिए ये गूज बम्स आपका खड़ा हो जाना चाहिए कि यार मतलब जहां पे बहुत सारे देश ऐसे बिखर रहे हैं और भारत के लिए भी कितने मतलब बाहर से लोगों ने स्ट्रेटेजाइज किया कंट्रोवर्सीज़ हुई इतना सारा षड्यंत्र जिसको कहते हैं रचा गया कि बिहार को भारत को तोड़ दिया जाए फिर 1971 में आपको पता है कि जो लड़ाई हुई थी बांग्लादेश को आजाद करने के लिए वो लड़ाई बेसिकली क्यों हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान था उसमें ऐसे रोड बनाने की बात की जा रही थी कि रोड बनाया जाएगा और ताकि कनेक्ट किया जाए तो हिंदुस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है ना नॉर्थ और साउथ फिर हम नॉर्थ और साउथ में कनेक्ट करना इशू हो जाता तो उस समय इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इंदिरा गांधी उन्होंने भारत के यूनिफिकेशन के लिए काम किया एक देश जो कि उस समय इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी था पाकिस्तान अपने डिमांड्स पे बना था ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके बांग्लादेश बना देना और बांग्लादेश आज हमारा इतना अच्छा दोस्त है है ना बांग्लादेश के साथ हम लैंड स्वैप कर लेते हैं हम ज्यादा उनको दे भी देते हैं हम लोगों को इशू नहीं है बांग्लादेश के लोग हमारे देश पे डिपेंडेंट है काम के लिए तो अगर सोचो वही बांग्लादेश हमारा दुश्मन होता तो कितने ज्यादा इनफिल्ट्रेट होते असम में हमेशा प्रॉब्लम होता वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम होता तो हम दो फ्रंट से ऑलरेडी घिरे हुए हैं चाइना पाकिस्तान एक और फ्रंट आ जाता बांग्लादेश तो इस तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हमने बनाए उस समय ये तो जब आपको इस तरह से आंसर लिखना हो ना आई 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 एम 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 थिंग्स नॉट कि क्लास में कि ऐसे टाइम वेस्ट जब आप आंसर लिखेंगे तो सिक्योरिटी को लेके और जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको भी लीजिए क्योंकि क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है लेकिन कोई एस्पिरेंट जो उस सिचुएशन में आगे जाके फ्यूचर में पढ़ सकता है ऑफिसर बनने के बाद वहां पे आप क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी चीज इतिहास में कभी भी कोई फैसला लिया गया है तो वो उस समय के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग लिया गया है ये आप समझेंगे है ना और आगे हो सकता है कि अगर वैसे सिचुएशंस क्रिएट हो तो आपको उन सिचुएशन से लर्निंग होनी चाहिए कि अब क्या सिचुएशन में उस सिचुएशन में पर्टिकुलर प्रेजेंट में क्या डिसीजन लिया जा सकता है राइट right? तो ये आप देखिए कि पाकिस्तान से अब तो हम मतलब इतने ऊपर आ चुके हैं कि इससे कंपैरिजन होता था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे जब हम स्कूल में तो पाकिस्तान से कंपेयर करते थे कि यहाँ पे ये यह है वहां पे ये अब ये कंपैरिजन भी नहीं होती क्योंकि हम लोग वी आर वे वे फॉरवर्ड फाइन चलेंगे नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने सिंथन स्नो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है सिंथन स्नो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है दो में ये आप बताएं तो ये क्या ये पटना है सिक्किम है जम्मू एंड कश्मीर है या लद्दाख है तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंथन स्नो फेस्टिवल सिंथन स्नो फेस्टिवल ये यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में है जम्मू एंड किश्तावर टूरिज्म डेवलपमेंट की बात की जा रही है, है दो दिन का यह है कश्मीर कि में है, यहां पे इसको किया जाएगा प्लीज आप जो कल आपने लिखा था ना कल्चर वाला कल्चर के लिए कॉलम बनवाए थे तो उसमें यह इसको मैंशन कर लीजिएगा जो भी फेस्टिवल्स पुष्कर पुष्करालू के बारे में लिखा है उसी लाइन में इसको आप मैं एक बाइक

ट्रेकर्स के लिए और ये फेस्टिवल जो है वंडरफुल टूरिस्ट स्पॉट है इसको मनाया जा रहा है स्टनिंग नेचुरल सराउंडिंग है यहां पे और लाइम लाइट को कैप्चर किया जाएगा यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आएंगे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये टूरिज्म अथॉरिटी ने ही इसको बनाया है किश्तवाड़ का जो टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म इन्होंने ये सिंथन मैदान है वहां पे और ये फेस्टिवल को मनाने की बात की जा रही है और ये आपके एडवेंचरस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा फाइन अब एक और दिवस आपका मनाया जा रहा है ये तीन दिन का हेरिटेज है थ्री डे हेरिटेज फेस्टिवल और ये हेरिटेज फेस्टिवल ये यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स आएंगे डांसेस आएंगे क्विजीन्स आएंगे और ये कोस्टल स्टेट में मनाया जा रहा है यानी कि तटीय रेखा जो भारत का तटीय रेखा है बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन है अरे बे ऑफ बंगाल है इंडियन ओशन है अरेबियन सी है राइट right? तो ये फेस्टिवल तीन दिन का हेरिटेज फेस्टिवल है ये अलग अलग डांस फॉर्म्स को क्विजींस को प्रमोट करेगा और ये कहाँ पे मनाया जाएगा गाइज बिल्कुल तो ये आप देखेंगे ये गोवा में मनाया जाएगा ठीक है गोवा में तीन दिन का एक हेरिटेज फेस्टिवल मनाया जा रहा है जहां पे डांस क्विजीन है कोस्टल स्टेट है गोवा यानी कि ये इसके पास तटीय क्षेत्र है एक तरफ अरेबियन सी है गोवा का जो पोर्ट है उसका नाम मारमा गाँव है ना तो गोवा में इसको मनाया जाएगा बस यही इंपॉर्टेंट है वन है नेक्स्ट आप देखें रेड़ा के बारे में ठीक है ये ये थोड़ा आपको समझना होगा आर ई आर ए ये क्या होता है तो ये बेसिकली है रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जा रहा है कि कौन सा सा हाउसिंग बोर्ड है किस कौन से स्टेट का हाउसिंग बोर्ड है जिसको नेशनल अवार्ड फॉर रियल ई फॉर रियल इस्टेट रजिस्ट्रिंग मिला है हाइएस्ट नंबर ऑफ हाउस होम प्रोजेक्ट यानी यहाँ पे जितने भी घर हैं उनको इन्होंने रजिस्टर कर दिया है रेडा के अंदर ये जैसे ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है रेगुलेटरी अथॉरिटी आप समझते हैं अब जैसे आरबीआई क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी बैंक किससे से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो किसके अंदर आएंगी वो आरबीआई के अंदर आएंगी सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जहां पर भी शेयर मार्केट की बात की जा रही है तो ये सारी चीजें जो हैं जितने भी इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है वो से भी एक्ट के तहत आएगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार रहेगा तो सेबी जो बोर्ड है वो जिम्मेदार रहेगा उसी तरह से जहां पे प्रॉपर्टीज की बात आ रही है घर रेरा ई स्टेट तो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ये रेरा है रियल ईस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और यहाँ पे पुरस्कारित किया गया है कौन से स्टेट को जिसने सबसे ज्यादा घरों का पंजीकरण किया है ये राजस्थान है है ना राजस्थान में क्या किया गया है कि रेरा रे, मतलब रेड़ा के तहत यहाँ पे सेलिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स सारी चीजें जो है यहाँ पे पंजीकरण हो गया उसका और रजिस्ट्रेशन हो गया इसका इसको आप समझ गए हैं फाइन ये अवार्ड जो है इनको न्यू दिल्ली में दिया गया था ये अवार्ड इनको न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिया गया था नेक्स्ट आप देखेंगे तो रेड़ा के बारे में आपको कुछ चीजें समझनी होंगी ये एक एक्ट है एक्ट यानी कि पार्लियामेंट ने इस कानून को पास किया था जैसे सेबी में आपने देखा कि सेबी हमने पढ़ा है है ना नाइनटीन एटी तो एक्ट बना था और पार्लियामेंट ने इसको 2016 में पास किया ठीक है और ये लागू कब से हुआ एक मे 2017 से ये लागू हो गया रियल इज स्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट इसका नाम है रेड़ा और पार्लियामेंट ने इसको 2016 में पास किया और फिर ये एक मई 2017 से लागू हो गया इसमें क्या होता है जो होम बायर्स हैं जो घर खरीदते हैं और साथ ही साथ एज वेल एज बूस्ट इन्वायरमेंट तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं आपको भी लगेगा ना डर कि कहीं वो फ्रॉड ना हो जाए हम किसी और का प्रॉपर्टी ना खरीदे या सरकारी प्रॉपर्टी को हमको प्लॉट बता के ना बेच दे तो इनके बेसिकली राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये है तो टू तो तो प्रोटेक्ट होम बायर्स जो घर खरीदते हैं और इन्वायरमेंट बूस्ट करना है कि लोग जो है वो अब तो देखिए हम मतलब इंडिया में काफी ज्यादा बेटर है इन्वायरमेंट तो अब लोग इतना सोचते नहीं है जल्दी परचेज कर लेते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये सब कुछ मतलब वही आप प्रॉपर्टीज के वो पेजेस देखते हैं वगैरह तो ये सब किसके अंदर रजिस्टर्ड रहता है ये सब रेरा के अंदर रजिस्टर्ड रहता है ना तो रियल इस्टेट सेक्टर बाई ब्रिंगिंग इफिशंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन सेल एंडेज ऑफ रियल स्टेट फाइट ये एक्ट जो है स्टेब्लिश किया गया था हर इन ईच स्टेट फॉर रेगुलेशन यहाँ पे आप यही समझ लीजिए रेगुलेशन है अकाउंटेबिलिटी है ट्रांसपेरेंसी है एक्ट का साल आप याद रखें दो हजार सोलह में ये पास किया गया था और दो हजार सत्रह से यह लागू हो गया हर तरह का स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यहाँ पे होता है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हाँ जी बिल्कुल ठीक है आप लोग के कमेंट्स भी हम देख रहे हैं ठीक है ठीक है ओके okay. नेक्स्ट आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्चुअली अभी कमीशन किया है नाइंटी वन ट्रांसमीटर ऑफ कैपेसिटी हंड्रेड वॉट्स इन विच स्टेट ठीक है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आप लोग का आंसर आते जा रहा है आंसर है त्रिपुरा मिजोरम असम या मणिपुर तो आंसर है असम है ना असम में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 91 वन एफ ट्रांसमीटर जो कि 100 वॉट का रहेगा ये कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में किया गया है ठीक है दीपू में किया गया है कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ये असम में इसको किया गया है और ये ट्रांसमीटर किस तरह से एक्ट करेगा वेहीकल टू कन्वे इंफॉर्मेशन है ना ये इंफॉर्मेशन देगा किस चीज के लिए जितनी भी सरकारी पॉलिसीज होती हैं या जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे और साथ ही साथ इंटर इंटरटेनमेंट का भी यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट रहेगा और देश के हर कॉर्नर में नुक एंड कॉर्नर में ये बजना चाहिए तो असम से मोदी जी ने इसको कार्बी एंगलोंग दीपू कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से इसको अभी अभी इसको स्टार्ट किया गया है नाइन्टी वन और ये हंड्रेड वॉट का है फाइन चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक एक प्राइज के बारे में है और ये प्राइज आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रेस्टिजियस प्राइज दिया गया है लेब्सिक बुक प्राइज ठीक है ये यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेसिकली इनकी जो राइटर है आपको जानना होगा ये कहाँ से है और ये अभी एग्जाइल में है तो बेसिकली इनको क्योंकि इन्होंने इतना ज्यादा लिखा हुआ है इस कंट्री के खिलाफ कि उनको कंट्री छोड़ के जाना पड़ा ऐसा भी होता है और अभी इनको किस बुक के लिए ये प्राइज मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है हाँ जी गाइज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन की कमी लग रही है मुझे ध्यान से पढ़िए एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आपस में बात ना करें प्लीज है ना मारिया शारा पोवर नहीं है स्टेप स्टेपन... नोवा है ठीक है स्टेप नोवा इनका नाम है तो मारिया स्टेप नोवा जो है ये एक पावरफुल कॉन्टेम्प्रेरी वॉइस है रशिया की तो रशियन लिटरेचर पे इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी हैं जिसके कारण इनको भी जर्मनी के बर्लिन में रहना पड़ रहा है और इनको अभी लेब्जिक पुरस्कार मिला है यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको यूरोप का काफी डीप में नॉलेज है अंडरस्टैंडिंग है और रशिया के जब भी एक खिलाफ़ लिखती हैं तो रशिया में कैसे रह सकती है, है ना अब इन्होंने किताब लिखा है एक जिसका मतलब है तो ये रशियन वर्ड इसका मतलब होता है गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स ठीक है इस किताब के लिए इनको मिला है मारेंग ओहन क्लाइडर के लिए इनको मिला है ये पुरस्कार और इस किताब में बताया गया है कि विमेन बॉडी पे कितने कितने तरीके के मतलब ब्रूटल हरासमेंट्स और एक्शंस किए जाते हैं तो बेसिकली गर्ल्स के बारे में आपको नाम से पता चल रहा है गर्ल्स विदाउट क्लोथ ये विमेन एम्पावरमेंट पे ये किताब लिखी गई है और जो हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव है जहाँ पे कोई भी मतलब क्या बोले एक्सप्लॉयटेशन शोषण इस चीज़ों के बारे में इस किताब में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आप देखें फॉर्मूला वन अजहर गुड मॉर्निंग आप लोग थोड़ा सा क्लास में और कॉन्सेंट्रेट करें है ना कहीं कोई डाउट है तो बताइए फॉर्मूला वन रेसिंग अजहरबाई जान प्रिक्स दो हजार तेईस हो रहा है तो इसमें कौन इसके विजेता रहे हैं सीएम ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत हैं, बिल्कुल सही है गवर्नर के अलराज मिश्रा वेरी वेरी गुड वसीम आप बीच बीच में अपने सारे इनपुट्स डाल रहे हैं है ना कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि क्यों व्हाट इज द रीजन वाई आर यू टॉकिंग ये कोई व्हाट्सएप थोड़ी है जो आप लोग कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल व्हाट्सएप और इंस्टा की तरह कर रहे हैं दोस्त बनाने के लिए ऑनलाइन हाँ जी तो रेडबुल चलाते हैं इनका नाम है सर्जियो परेज और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि ऑप्शन में आपको मैक्स वे भी दिख रहे हैं है ना मैक्स वे स्टेपन आप देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीत रहे हैं तो नहीं सर्जियो परेज ने अजहर जान ग्रैंड प्रिक्स ये जीता है और फोर्थ राउंड ऑफ 2023 हजार तेईस फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप ये कहां पे हुआ अजरबैजान का कैपिटल है बाकू यहां पे हुआ और सेकंड पोजीशन पे आए थे मार्क्स वेस्टेपेन मार्क्स वेस्टेपेन जो जनरली आप देखते हैं कि हर ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता हुआ है तो ये सेकंड पोजीशन पे आए थे फाइन right? और थर्ड स्पॉट्स पे थर्ड पोजीशन पे आए थे चार्ल्स लेकरिक तो चार्ल्स लेकरिक जो है ये थर्ड पोजीशन पे आए थे मैक्स वेस्टेपेन सेकंड और सर्जियो ब्रेज फर्स्ट आए हैं नेक्स्ट टॉपिक है कि दिल्ली हाट दिल्ली हाट यहाँ पे है दिल्ली में आई एन ए मेट्रो स्टेशन कहते हैं उसको आई एन ए दिल्ली हाट तो यहाँ एग्रीकल्चर मंत्री जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं इन्होंने मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर स्टार्ट किया है देखिए 2023 को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कह रहे हैं यानी कि बाजरे का साल जो भी मोटा अनाज है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है जी ट्वेंटी की अध्यक्षता जो अभी भारत कर रहा है तो हमारे देश में इतने सारे कंट्रीज के डिप्लोमैट हैं 19 तो हो गए जी ट्वेंटी वाले और जो एक यूरोपियन यूनियन है उसमें 27 और राइट तो इतने सारे देश के डिप्लोमेट हैं और लोग हैं थिंकर्स हैं तो अब हम उनको ये आइडिया दे रहे हैं कि हमको अब जो हमारा अनाज चल रहा है गेहूं चावल उससे स्विच करके बाजरे की ओर जाना पड़ेगा मोटे अनाज की ओर जाना होगा रागी ज्वार क्यों क्योंकि उसको उगाने में पानी कम लगता है तो जैसे हम इवॉल्व करेंगे अभी आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है तो पानी भारत भी ऐसा देश है जो कृषि प्रधान देश है लेकिन हम रेन फेड एग्रीकल्चर करते हैं यानी कि हम बादल बारिश पर निर्भर रहते हैं अगर बारिश नहीं हुआ ड्यू टू तो एल नीनो और एनसो अफेक्ट आपने जोग्राफी में पढ़ा है तो क्या होगा फिर तो हमको इस तरह के अनाज उगाने होंगे जहाँ पे बारिश यानी कि पानी का कम लागत हो पानी का उपयोग कम हो इसमें सिर्फ बेस्ट एग्जांपल है मिलेट 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है ओके नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इतिहास में पहली बार इतिहास में पहली बार इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी ने इंडक्ट किया है पांच महिलाओं को फाइव विमेन ऑफिसर्स को रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में ठीक है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में ये कौन है ये लेफ्टिनेंट महक सैनी है लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे है लेफ्टिनेंट अदिति यादव है पायस मुडगिल है और लेफ्टिनेंट है ये लोगों ने ज्वाइन किया है भारत का प्रीमियम आर्टिलरी यूनिट और सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ इनका ओ में आपको पता है कि जब आप डिफेंस के एग्जामिनेशन को देते हैं जैसे कि सी डी एस एग्जामिनेशन देते हैं तो सी डी एस एग्जामिनेशन में आई एम ए है देहरादून में फिर आई एन ए है आई एन ए है अजीमाला में ए एफ ए है और जो सबसे विमेन कहाँ जाती हैं तो विमेन बेसिकली ये जाती हैं ओटीए ठीक है OTA, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के जितने भी लोग हैं वो ओटीए जाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि दस साल टेन ईयर्स प्लस फोर इयर्स ठीक है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में ओटीए चेन्नई में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और बहाली लेफ्टिनेंट के तौर पर ही होती है और इनको डाला गया है इन पांच विमेन को पहली बार विमेन को रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में डाला गया है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप इसको देख लें है ना ओके okay? अब हम एक रेल रेल ब्रिज के बारे में बात करेंगे ये रेल ब्रिज के बारे में क्यों बात करेंगे क्योंकि ये अभी अभी इसको बनाया गया है और आई रुड़की और आई दिल्ली के जो ज्यूलॉजिकल इन ज्यूलॉजिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे आए हैं ज्यूलॉजिकल एक्सपर्ट्स क्यों आए हैं क्योंकि ट्रेन इतना ज्यादा टफ था कि इसको बनाने के लिए इनको एक्सपर्ट्स की जरूरत और सिर्फ इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्टर्स की नहीं जोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आए फाइन तो ये ब्रिज कनेक्ट किसको करेगा ये कटरा से कनेक्ट करेगा को, रियासी को ठीक है रियासी को कटरा से ये कनेक्ट करेगा और इसमें प्रॉपर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ आईटी रुड़की और आईटी दिल्ली ने यहाँ के कॉम्प्लेक्स और फ्रिजाइल टेरेन को जो हिमालयन स्लोप्स हैं इसको समझा यानी कि ये पूल कटरा और रियासी को जोड़ेगा यहाँ पे हिमालय पर्वत ढलान के जटिल और नाजुक इलाके को यहाँ पे नेविगेट करने की बात की गई है जिससे आई रुड़की और आई दिल्ली से प्रॉपर यहाँ पे विस्तृत तरीके से जोलॉजिकल जांच किया जाएगा पहले इसको और इसके बाद इसका जो प्लान है कि क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस रिस्ट्रिक्शन है कहाँ कटरा में ठीक है तो कटरा की तरफ जो है जगह कम है इसीलिए एक हाइब्रिड एक तरीके का यहाँ पे मॉडल इसको डेवलप किया जाएगा ताकि फाउंडेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रखा जा सके कटरा में स्पेस कम होने के कारण और जो दूसरी तरफ है यानी कि जो श्रीनगर का एक्सटेंड है यहाँ पे यहाँ पे ऑफ द अंजी खाट ब्रिजेस का नाम है ठीक है अंजी खाट ब्रिजेस का नाम है इसको आप देख लीजिए अंजी ब्रिज इसका नाम है पुल का और इसको कंप्लीट किया जाएगा फाइन तो मेन ये ज्यादा टेक्निकल हो गया कि यहाँ पे पायलॉन डाला जाएगा 40 मीटर डेप्थ का हाइब्रिड फाउंडेशन है सेंट्रल इम्बैक्टमेंट है और यहाँ पे वायरडक्ट एनज है, वायर है जो सिविल इंजीनियर वाले स्टूडेंट होंगे उनको समझ में आ रहा होगा है ना अगर हम सिंप्लीफाई करें कंस्ट्रक्शन को जो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग है तो ये ब्रिज सेवन मीटर का ये ब्रिज रहेगा जो कि चार पार्ट में डिवाइडेड है एक में ये लॉन्ग एक्जिलरी वायरडक्ट है ठीक है रियासी साइड में और अड़तीस मीटर लॉन्ग जो है ये अप्रोच करेगा कटरा की तरफ तो ये 725.5 मीटर का ब्रिज है चार अलग अलग तरीके से ये विभाजित है भागों में बटा हुआ है इसका नाम क्या है इसका नाम है अंजी खडपुर और ये कटरा से रियासी तक जाने वाला है फाइन क्लियर है ये कहां से कहा कटरा से रियासी तक ये जाएगा फाइन क्लियर है नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पे नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन को अभी को अभी यहां पे इनग्रेट किया, किया है नमो को, नमो को किया है 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 नमो नमो ठीक को को गया देखिए आप लोगों शायद अगर नहीं जानकारी है, तो मैं बता दूं कि दादर नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी था और दमन एंड दीव दूसरा यूनियन टेरिटरी था अब दोनों को मिला दिया गया है अब इसका नाम हो गया है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये दोनों को मिला के अब ये एक ही आपका यूनियन टेरिटरी है एक ही केंद्र शासित प्रदेश है ठीक है तो यहाँ पे दादर एंड नागर हवेली एंड एंड दमन दीव में नमो ठीक है नमो मेडिकल कॉलेज नमो एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने अभी इसको इनोग्रेट किया है सिलवासा टाउन में ठीक है दादर एंड नागर हवेली का कैपिटल है सिलवासा तो सिलवासा टाउन में इसको किया गया है और ये इंस्टीट्यूट जो है डेवलप किया जाएगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये रहेगा ठीक है स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर रहेगा चौदह पॉइंट अड़तीस एकड़ फोर्टीन पॉइंट फोर एट एकड़ में यह आपका स्टैब्लिश रहेगा लश्पस में दो सौ तीन करोड़ रुपए यहां पे लगेंगे इस मेडिकल कॉलेज को स्था, आ, स्थापित करने में तो ये नमो मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि स्थापित होंगे एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है भारत का यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके चेयरपर्सन कौन बन गए हैं hmm. तो चेयरपर्सन बने हैं इसके सिद्धार्थ मोहंती ठीक है एल आई सी के चेयरपर्सन कौन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती आप देख सकते हैं एल आई सी का आ, फुल आपको है, साथ ही साथ ये जून 2024 तक इसके चेयरपर्सन बन गए हैं फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एस एस आई बी ठीक है Bureau, FSIB, तो अब इसके चेयरपर्सन जो बनते हैं वो किसके अंदर है कौन रिकमेंड करेगा तो ये फिनेंस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इनका नाम रिकमेंड करेगा सिद्धार्थ मोहंती का और इनको अब बनाया गया है एल का अध्यक्ष ठीक है यानी कि एल का चेयरमैन इनको बनाया गया नेक्स्ट टॉपिक कौन सा एयरलाइन है जो पहला रोबोट चेक इन असिस्टेंट रखा है यानी चेक इन जब आप करते हैं एयरपोर्ट पे तो आपको वहां पे कोई व्यक्ति होते हैं कोई अटेंडेंट होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं अब यहाँ पे व्यक्ति या अटेंडेंट नहीं रहेंगे यहाँ पे रोबोट रहेगा ठीक है और ये कहा ये यू में इमरात एयरलाइन में इसको डाला गया है तो बेसिकली दुबई का जो आपका इमरात एयरलाइंस है इसमें वर्ल्ड का पहला रोबोट और इसका नाम क्या है सारा इसका नाम क्या है सारा सारा को डाला गया है और ये सिस्टम ये नए सिटी में ये जो दुबई स्टैब्लिश किया जा रहा है तो इसके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ठीक है इस सेट टू लॉन्च इन दुबई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट इमरात के जो पैसेंजर्स हैं उनको चेक इन फैसिलिटी कौन देगी सारा देंगी सारा एक रोबोट है फाइन क्लियर है ओके okay. नेक्स्ट <coughs> है ये पिक्चर आपको दिख रहा है तो बेसिकली ये हैंडीक्राफ्ट है हाथ से बनाया गया है इसका नाम क्या है माता पचेड़ी ठीक है माता ने पचेड़ी माता ने पचेड़ी जो है ये गुजरात का है ठीक है माता ने पचेड़ी, पचेड़ी को अभी जी टैग दिया गया है तो बेसिकली गुजरात का एक अलग तरीके का यह हाथ का कारीगरी है हस्तकला है जिसका नाम है माता ने पचेड़ी और इसको अब जीआई टैग दिया गया है इसमें क्या होता है कि गुजराती लैंग्वेज में इसका मतलब होता है बिहाइंड द गॉड्स गॉडेस यानी माता जो गॉडेस है उनके बिहाइंड है ना पचेड़ी जो है यह रिलीजियस टेक्सटाइल फोक आर्ट है टेक्सटाइल यानी कि इसको कपड़े पे बनाया गया है हाथ से बनाया गया इसलिए यह हैंडीक्राफ्ट है और यहाँ पे मदर गॉडेस को इंग्रेव किया जाता है इन द सेंटर ठीक है और उसके बाद द ट्रेडिशन दीज पचेरी एंड हैंडमेड और ब्लॉक पेंटिंग ऑन द फैब्रिक तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मदर गॉडेस है और फिर साइड में आपको ब्लॉक पेंटिंग दिया गया है फाइन ब्लॉक पेंटिंग बताया गया है इसको आप ध्यान रखिएगा तो जीआई टैग अब मिल चुका है माता ने पचेड़ी को और ये 300 साल पुराना ये आठ है है ना 2020 में गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जीआई टैग अप्लाई किया था माता ने पचेड़ी के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे कि अन्नपूर्णा माउंटेन जो कि दुनिया का दसवां सबसे ऊंचा माउंटेन है इसमें हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लाइंब फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लाइंब अन्नपूर्णा माउंटेन इसका टेरेन इसका जो चढ़ाई है काफी टफ है है ना तो फर्स्ट इंडियन इनका नाम क्या है ये इंडियन प्रोफेशनल माउंटेनियर है अर्जुन वाजपेयी और ये पहले ऐसे फर्स्ट इंडियन मेल हो गए हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा पे चढ़ाई की है अन्नपूर्णा दसवा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और ये कहां पे लोकेटेड है ये लोकेटेड है नेपाल में है ना इन्होंने ये असेंट ऑफ अ हाइट ऑफ 8091 मीटर्स का ये है 8091 मीटर्स द सी लेवल तो इन्होंने इसकी चढ़ाई कंप्लीट कर ली है फाइन हाँ और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने सेवन माउंटेन सात ऐसे पहाड़ चढ़े हैं जो कि 8000 मीटर से ऊंचे हैं अन्नपूर्णा माउंटेन जो है ये इसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट डेंजरस अमंग द फोर्टीन माउंटेन्स पीक ऑफ एट थाउजेंड मीटर्स तो अन्नपूर्णा जो है सबसे ज्यादा खतरनाक है इसकी चोटी इस पे चढ़ना सबसे मतलब जटिल है तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है उन सारे जो टोटल चौदह ऐसे पहाड़ हैं जिनका हाइट आठ आठ हजार या उससे अधिक है उनमें अन्नपूर्णा की चढ़ाई सबसे ज्यादा खतरनाक है तो अर्जुन वाजपेयी है जो कि टेंथ ये टेंथ सबसे हाइएस्ट माउंटेन पर चढ़ चुके हैं ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए वन लाइनर भी कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग वाले भी करेंगे अभी टाइम है हु हैज बिकम द सेकंड फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन टू स्कोर 12000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक है तो 12000 रन बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन हो गए हैं तो पाकिस्तान के कैप्टन है क्रिकेट कैप्टन ये क्रिकेट टीम के कैप्टन है बाबर आजम ये सेकंड सबसे फास्टेस्ट एशियन बैट्समैन हो गए जिन्होंने बारह हजार रन बनाए हैं इन टर्म्स ऑफ इनिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने ये दो सौ इनिंग्स में बनाए हैं फाइन ही हैज लेफ्ट बिहाइंड ग्रेट बैट्समैन अभी ये सचिन तेंदुलकर और जावेद मियादाद से जो कि पाकिस्तान के हैं इस मार्टरमैन का कंपैरिजन किया जा रहा है और ये फास्टेस्ट है एशिया में अगर आप देखेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है फास्टेस्ट है कि 12000 रन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए हैं फाइन ओके नेक्स्ट आप देखें अब अब हाँ, ये ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है देखिए कोविड का टाइम आया आप लोगों ने सबने समझा कि कोविड के टाइम हम प्रिपेयर्ड नहीं थे अगर कुछ ऐसा फिर से आपदा आ जाता है तो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड इसके लिए एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की है जिसने प्रेट को शुरू किया है प्रेट क्या है Preparedness and resilience for emerging threats. और ये खासकर अभी तो डाला गया है रेस्पेरेटरी डिजीजेस के लिए तो हमको पहले से तैयार होना होगा वी हैव टू बी रेडी कि अगर ऐसा कुछ फिर से आ जाता है संकट हम पे तो हम किस तरह से बिहेव करेंगे लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा इसके लिए अभी डब्ल्यू एच ओ ने प्रेट को शुरू किया है ठीक है तो इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया गया है और ये फ्यूचर में जो डिजीज़ेस होंगे उसके आउटब्रेक के लिए इसको बनाया गया है कि उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा कोविड पैंडेमिक की तरह अगर फिर से कुछ हो जाता है ठीक है अब डब्ल्यू एच ओ के बारे में आपको पता है कि ये लीडरशिप रखता है अगर हम ग्लोबल हेल्थ मैटर्स को देखें और शेपिंग द हेल्थ को देखें रिसर्च एंड एजेंडा को देखें सेटिंग नॉर्म्स को देखें स्टैंडर्ड्स या आर्टिकुलेटिंग एविडेंस पॉलिसी ओपिनियन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट कंट्री एंड मॉनिटरिंग असेसिंग द हेल्थ ट्रेंड्स तो जो भी चीजें स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं चाहे वो रूल्स हो हो किस तरह से कौन से मेडिसिन को देना है मतलब बेसिकली ग्रीन फ्लैग देना है कौन क्या लागू होगा ये सब चीज का जो हेड है पूरे दुनिया में वो डब्ल्यू एच ओ है डब्ल्यू एच ओ को पैसा कहाँ से मिलता है तो जो इसके मेंबर नेशन है एक तो हो गया इसके डायरेक्टरेट जनरल ठीक है फिर इनका एक प्रॉपर असेंबली है जो कि जनरल असेंबली है जहाँ पे सारे देश जो कि इसके मेंबर हैं वो वो यहाँ पे बैठक करते हैं तो जितने भी देश उसके मेंबर है अपने शेयर के अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच ओ को पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अलावा जो बहुत बड़े बड़े फिल्म काम करते हैं जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन आपने सुना होगा तो इस तरह के जो बड़े बड़े एनजीओज होते हैं वो भी डब्ल्यू एच ओ को फंड करते हैं तो यहाँ से इनको पैसा मिलता है अब इनका फंक्शनिंग जो WHO का शुरू हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 से शुरू हुआ था 1948 से हम जब आजाद हुए इसके जस्ट अगले साल से है ना इसीलिए 7 अप्रैल को ही हम स्वास्थ्य दिवस यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि साझे अधिकारी नीति विकल्प यानी जितनी भी चीजें हैं दुनिया भर में स्वास्थ्य से रिलेटेड उसका एपेक्स बॉडी कौन सा है तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में आपको दो स्टेटमेंट दिया गया स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 पहला स्टेटमेंट है इस तरह के क्वेश्चंस काफी फेमस हैं इसका गठन इसका गठन जल रोगथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम

नामित किए जाते हैं अब आपको बताना है कि फर्स्ट सेकेंड बोथ या नन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वन लाइनर क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं जितने भी थे सारे करवा दिए हैं ठीक है और जो अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है जैसा इसमें आपको पता होना चाहिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है ना इसके बारे में ये किस एक्ट के तहत आया है और सेकेंड स्टेटमेंट क्या ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ठीक है इसको एक्ट को याद रखिएगा वाटर का जो एक्ट है वो 1974 का ये क्या है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट इसका नाम है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत अभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्थापित किया गया है, है ना? और ये एक स्टैचुट्री ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसको एक्ट के तहत बनाया गया है अब एक्ट के तहत बनाया गया है तो ये सारे जो है ना कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आपके स्टेट के हैं जैसे लैंड वगैरह स्टेट का है आपको पता है कि जो हमारा शेड्यूल नंबर सेवन है सेवन में तीन आ, आपका लिस्ट है यूनियन लिस्ट है स्टेट लिस्ट है कौन करेंट लिस्ट है तो ये सारे स्टेट के मैटर्स हैं तो अभी यहाँ पे स्टैचुट्री ऑर्गेनाइजेशन ये जिसके मेंबर कौन है ये नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तो ये हर स्टेट अपने अपने मेंबर्स को यहाँ पे नॉमिनेट करता है अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिएगा ये जो आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक्ट तो आपने समझ ही लिया ठीक है एक्ट तो आपने समझ ही लिया तो अब इसके इनएक्टमेंट के बाद क्या आया था जैसे वाटर का 1974 का है इसी तरह से एयर का भी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है अब आपको अगर एग्जाम में कभी भी आएगा तो जनरली जो थॉट है है वो ये है कि हो सकता है कि पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ द पोल्यूशन ये पहले एयर का आया होगा और फिर वाटर का आया होगा ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो है ना अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए कि जो जो पहले स्थापित हुए उसको आप पहले रखिए तो शायद आप एयर को पहले रखिएगा तो इसीलिए हम आपको फिर से इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं कि एयर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 का है और वाटर का प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1974 का है तो पहले वाटर का आया था फाइन इन्फोर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टू दिस बोर्ड अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है वो यही है कि जो मेम्बर्स हैं ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनको स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको रिस्पेक्टिवली भेजते हैं इसके अलावा देखिए ये सारे जो पोल्यूशन कंट्रोल जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने फ्लाई एश पढ़ाया है ना मेरे को लगता है कल या एक दो दिन पहले पढ़ाया है तो ये सारे आपसे पूछे जाते हैं फाइन तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आप समझेंगे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है 1986 के तहत पे कुछ बोर्ड्स हैं तो द बोर्ड इज ऑल्सो इन्फोर्सिंग द फॉलोइंग रूल्स एंड नोटिफिकेशन और ये सारे फ्रेम किसके अंदर हुए हैं ये इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर फ्रेम हुए हैं अब इसमें आप देखें इसमें सब कुछ है इसमें हजार एंड अदर वेस्ट है उसका मैनेजमेंट और ट्रांसबाउंड मूवमेंट 2016 का है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 अब आप इसको अगर हम रीसेंट टर्म्स में ऐड करें तो एक होता है इको सेंसिटिव जोन ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इसको इस तरह से समझें जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ रह रहे हैं इंसान जो है वो यहाँ रह रहा है ठीक है इस तरह का इंसान है और आपका कोई नेशनल पार्क यहां पे नेशनल पार्क में जानवर लड़ रहे हैं फाइन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर नेशनल पार्क के किलोमीटर बाउंड्री तक ठीक है यानी कि एक किलोमीटर तक आप रेडियस ले लीजिए इको सेंसिटिव जोन जोन होना चाहिए ये एक तरह का है। का ट्रांजिशन ट्रांजिशन है मतलब आपने समझा कि जब हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम की ओर जाते हैं तो बीच का जो एरिया होता है उसको तो हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं तो यहाँ पे इंसान रह रहे हैं यहां पे जानवर रह रहे हैं तो कहा गया कि एक ट्रांजिशन जोन आपने बनाना होगा जिसको हम इको सेंसिटिव जोन कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान का घर है जस्ट एक कदम आगे रखे तो शेड आ गया ऐसा होता है ठीक है ये ऐसा मजाक में नहीं बोल रहे हैं। अगर आप बिहार के पे जाएंगे वेस्टर्न चंपारण नेपाल और बिहार का बॉर्डर पे लोग एक किलोमीटर तक का हम इसको इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे अब ये कल का न्यूज है कि कल के ही द हिंदू में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जो पहले जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेडियस तक हम इको सेंसिटिव जोन बनाएंगे तो उसमें कहा गया कि यार देखो एक किलोमीटर तुम ऐसे जनरल नहीं बता सकते हो है ना आप सबको एक ही जगह न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते कि हर जगह एक किलोमीटर का ही होगा तो इसीलिए पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर को और हम जैसे लोकल बॉडीज तक क्यों पहुंचाना चाहता है मेरे घर का जो प्रॉब्लम है वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से तो नहीं चल पाएगा ना यहाँ पे अलग तरीके का प्रॉब्लम है उसका कैरेक्टर अलग है उसका नेचर ऑफ प्रॉब्लम अलग है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये आपके स्टेट गवर्नमेंट इसको निर्धारित करेंगे हो सकता है कि कहीं पे दो किलोमीटर की जरूरत हो है ना कहीं पे ट्रांजिशन एरिया कम की जरूरत हो तो अब इस जजमेंट को चेंज किया गया है फाइन तो इसे जुडिशल रिव्यू भी कहते हैं अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आ गया क्लियर है और ये सारे एक्ट्स जो हैं अब बने बायोमेडिकल एक्ट बना प्लास्टिक वेस्ट एक्ट बना तो नॉइस पोल्यूशन एक्ट बना कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एक्ट बना पब्लिक लाइबिलिटी और फ्लाई एश याद रखिएगा प्लीज़ फ्लाई एश अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो कोई भी ऐसा कोयला खनन वाला एरिया होता है बहुत इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां पे ऐसे पोल्यूटेंट्स आते हैं जो बहुत ही माइन्यूट है ना बहुत माइन्यूट है तो पर्टिकुलेट मैटर्स आपने सुना होगा टू पॉइंट फाइव और टेन पर्टिकुलेट मैटर्स तो उसी तरह से फ्लाई एश है और इसके कारण बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो रहे हैं लंग्स में जाके सीधे चिपक जाता है नेक्स्ट आप देखेंगे

तो फंडामेंटल राइट किस पार्ट में है इसको हम थोड़ा सा इस पे एक्सटेंड करना चाहेंगे तो फंडामेंटल राइट आपका पार्ट थ्री में है ठीक है पार्ट थ्री में है और बारह से लेके थर्टी फाइव के आर्टिकल में आप पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट जिसमें आप गोल्डन ट्राइंगल भी जानते होंगे जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे फोर्टीन नाइनटीन और ट्वेंटी जो गोल्डन ट्राइंगल यानी कि ये तो बहुत अनिवार्य है इसका रहना जरूरी है अब आप आर्टिकल नंबर फोर्टीन देखेंगे तो ये क्या है क्वल राइट इक्वल राइट किसके सामने लॉ के सामने ठीक है तो कानून के सामने सब बराबर है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ बाय लॉ यानी कि कानून सबको इक्वली संरक्षित करेगा इक्वली इसका रक्षा करेगा सबका व्यक्ति का ठीक है अब क्या है इसमें कैच क्या है इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल नंबर थ्री ठीक है थ्री हंड्रेड ए तो व्हाट इज कैच कानून सबका इक्वल प्रोटेक्शन करेगा दैट इज फाइन अगर अगर प्रेसिडेंट पे कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर लगाना हो तो क्या उस समय भी कानून बराबर है नहीं इम्यूनिटी है है ना तो ये इस तरह से आपने पढ़ना है कि जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप और उसके सरकम फ्रेंड्स तक जाए ठीक है और भी चीजों को कवर करें तो अब इसमें दो तीन चीजें हैं अब जैसे अगर कोई रिपोर्ट किसी ने सही रिपोर्ट पब्लिश कर दी संसद के बारे में या विधानमंडलों के बारे में तो वहां पे भी कानून कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं है कि उस पर कोई मतलब जो लॉ उसपे चल चल जाए तो नहीं आप उस पर रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है दूसरा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर प्रेसिडेंट और गवर्नर पे कोई भी क्रिमिनल चार्जेस या सिविल प्रोसीजर नहीं लगाया जा सकता है कोई भी एमपी और एमएलए हैं तो वो कोर्ट को लायबल नहीं है उनको ऐसे पकड़ के उनको कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं दिया जा सकता है तो जब आप हम आपको डिटेल में जब पढ़ाएंगे आर्टिकल नंबर फोर्टीन ठीक है पॉलिटी हमें पढ़ा रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर फोर्टीन तो इसमें एक्सेप्शन है थ्री उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए कि आर्टिकल नंबर थर्टी ए अब थ्री ए क्या है क्या पहले थ्री हंड्रेड एंड ए का मतलब समझ लो ए का मतलब है कि इसमें अमेंडमेंट हुआ होगा जहां पे भी आपको संविधान में ए बी इस तरह से दिखे यानी कि इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं तो यानी 338 क्या था 338 क्या अमेंडमेंट किया गया है साथ ही साथ किस साल किया गया है कौन सा वह अमेंडमेंट है ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे दिमाग में आपको अराइज होने चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि स्टैब्लिश किया गया आर्टिकल 338 के तहत ये कहा गया है और बोला जा रहा है कि सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा किया जाता है तो द द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वॉरेंट अंडर हिज हैंड एंड सील ठीक है तो ये तो प्रोवर्व है वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील फाइन तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें इस आर्टिकल के बारे में तो बिल्कुल यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर डी क्यों है आंसर डी इसीलिए है क्योंकि पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है यानी कि कौन सा कथन गलत है तो कोई भी कथन गलत नहीं है दोनों ही कथन बिल्कुल सही है और यहाँ पे आप इसको देखें कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब ये थ्री ए के तहत है और इसके इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इसके members, ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं अब आपको समझना है कि पहले आर्टिकल 338 था ठीक है 338 था और उस समय फिर इसको 2003 में इसमें अमेंडमेंट किया गया एटी अमेंडमेंट है है ना तो एक नया आर्टिकल 338 ए डाला गया रिजल्टिंग दस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल तो क्या पहले नहीं था पहले भी था लेकिन पहले एक ही था ठीक है पहले इसको बोलते थे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब उसके बाद एटी संशोधन किया गया 2003 में जिसमें 338 के साथ 338 ए डाला गया तो शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया गया शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया समझ रहे हैं पहले था नेशनल कमीशन नेशनल फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स अब नेशनल फॉर ट्राइब को 338 ए में डाल दिया गया शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया 2003 में तो बेसिकली ये संशोधन था है ना अगर आप देखेंगे तो 2003 में अलग किया गया तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि कुवर सिंह कम जो है 2004 से 2007 तक इसके चेयरमैन रहे फिर उर्मिला सिंह हैं, फिर रामेश्वर हैं और अभी जो है वो इसको याद कि अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें क्यों 2011 की सेंसस की बात करने हमको क्योंकि अभी नया सेंसस आया नहीं है अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें तो 104 मिलियन लोग हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं अनुसूचित जनजाति के हैं अपने देश में जो कि कॉम्प्राइज करते हैं 8.6 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन अपने देश का 8.6 परसेंट पॉपुलेशन अनुसूचित जनजाति ठीक है जब अनुसूचित जाति बोलेंगे यानी कि वो शेड्यूल्ड कास्ट है जब अनुसूचित जनजाति बोलेंगे यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब है तो अनुसूचित जनजाति 8.6 परसेंट है जो कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग अभी नया सेंसस आने वाला है और 104 मिलियन लोग अपने देश को इसमें रिप्रेजेंट करते हैं अब ये अपने देश में अलग अलग जगह फैले हुए हैं खास तौर पे ये पहाड़ों और फॉरेस्ट में है है ना कैसे ये पता चलता है कि असेंशियल कैरेक्टर्स क्या इनकी प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं यानी कि अभी भी पुराने तरीके से हर चीज़ करते हैं खेती हो गई या इनके जीने का तरीका अलग है जोग्रफिकल आइसोलेशन है है ना ये आपको समाज में हर जगह नहीं दिखेंगे अपना थोड़ा अलग नागा ट्राइब्स हो गए अरुणाचल प्रदेश में आपको अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग ट्राइब्स हैं है ना अबोर हैं मिशमी हैं दफला हैं डिस्टिंक्ट कल्चर है इनका अभी भी कल्चर थोड़ा हमारे से अलग है कपड़े पहनने का तरीका या फिर खाने का तरीका या हंट करने का तरीका उसके बाद भी उसमें बहुत सारे मतलब अलग अलग इनके आइडियोलॉजीज है जैसे ये बोलते हैं कि हम जो कुछ होते हैं कि शिकार नहीं करेंगे मरे हुए जानवर को खाएंगे पेड़ को नहीं काटेंगे उसकी पूजा करते सीक्रेट ग्रोव्स आपने सुना होगा है ना उसके बाद आप देखेंगे या अभी तो बहुत अच्छा मूवी जो आया था ये कंताड़ा कंताड़ा में भी बताया गया है कि कैसे ये लोग अलग रहते हैं इनका अपना सोच है अपना पूजा करने का चीज है तो इसको हम क्या कहते हैं उस जंगल की पूजा की जाती थी तो वो जंगल क्या है सेक्रेट ग्रोव है तो सेक्रेट ग्रोव को बढ़ावा दिया गया है हमारे देश में जैसे सुंदरबन के जो जंगल्स हैं वहां पे भी सेक्रेट ग्रोव्स यानी कि ऐसे ग्रोव्स ऐसे मैन ग्रोव क्या हुए कि ऐसा जगह जहां पे पूरा जंगल है और लोग उसकी पूजा करें तो पूजा करें तो काटेंगे नहीं तो ये इस तरह का अलग अलग कल्चर, कल्चर है अगर आप सुंदरबन को देखेंगे सुंदरबन डेल्टा की ओर तो वहां पे क्या होता है कि लोग बाघ के साथ रह रहे हैं मतलब राखी बांध रहे हैं बाघ को अपना भाई बना के चल रहे हैं तो इसको कहते हैं मैन इन्वायरमेंट रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट आपने पढ़ा होगा मैन इन्वायरमेंट रिलेशन का ये सारा एग्जाम्पल्स है Fine? फिर आप देखेंगे शाई ऑफ कॉन्टैक्ट ये कम्युनिटी से अलग रहते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं क्योंकि इनके लिए पैसा का उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है ऐसा कोई समझते भी नहीं और इकोनॉमिक बैकवर्ड है फाइन तो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको इंपावर करेंगे और इसको इंपावर करने के लिए कमीशन बनाई गई शेड्यूल कास्ट को बनाया गया जिसमें एक चेयरपर्सन रहते हैं एक वाइस चेयरपर्सन रहते हैं और तीन फुल टाइम मेंबर रहते हैं इसके ठीक है और ये जो तीन फुल टाइम मेंबर है ये क्या होने चाहिए इसमें एक लेडी मेंबर जरूर होनी चाहिए ठीक है तो तीन में वन थर्ड रिजर्वेशन दिया गया है एक लेडी जरूर होनी चाहिए और सबका टेन्योर जो है यहाँ पे तीन साल के लिए दिया गया है फाइन चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें तो एक चिड़िया के बारे में बात की जा रही है इसका नाम है पेंटेड स्ट्रोक पेंटेड स्ट्रोक न्यूज में रही है ठीक है तो बोला जा रहा है कि क्या ये भारत में मिलती है भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलती है जब हम सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो भारत और उसके नेबरिंग कंट्रीज भी उसमें आ जाते हैं और क्या ये वालर है ठीक है तो ये दो आपका स्टेटमेंट है तो ये देखिए ये चिड़िया है पेंटेड स्ट्रोक इसका नाम है इसका बीक यानी कि चोच काफी लंबा है तो पेंटेड स्ट्रोक जो है

तो G20 से नहीं क्वेश्चन पूछेंगे उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ जाएंगे क्या Japan, क्या G7 के मेंबर कंट्रीज है और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है इसका एक लिखित संविधान नहीं है और मुख्यालय का यहाँ पे अभाव है स्थाई मुख्यालय नहीं है हम आप लोग का थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल देख रहे हैं कि क्लास में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इसका क्या रीजन है और इंटरेस्ट भी कम आ रहा है मजा नहीं आ रहा है क्लास में में स्टैंड अप कॉमेडी करें हम हम पे जी दो स्टेटमेंट स्टेटमेंट है दोनों में हम देखेंगे कि क्या सही है तो दोनों स्टेटमेंट में आप देखिएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो इसके मेंबर कंट्रीज कौन सा इसको आप देखें फ्रांस है जर्मनी है इटली है जापान है यूके है ठीक है एक दो तीन चार पांच हुआ उसके बाद अमेरिका तो है ही और पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन है तो इनको मिला के हम क्या कहते हैं जी सेवन कहते हैं तो फ्रांस जापान जर्मनी इटली है और उसके बाद यूरोपियन यूनियन है यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है तो इसको हम क्या कहते हैं जी सेवन कंट्रीज कहते हैं और इसमें कोई भी लिखित संविधान नहीं है और ना ही इसका स्थाई हेडक्वार्टर है तो ओरिजिनली हम इसको जी कहते थे लेकिन फिर हमने रशिया जो है इसको हटा दिया गया 1975 में इसको नाइनटीन किया गया था जो ये एट स्टैब्लिश किया गया था है ना और इसमें गैदरिंग के मेंबर्स कंट्रीज आपने देख लिए हैं यूरोपियन यूनियन भी है पूरा का पूरा इसमें मेन पर्पस है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज को टैकल करना देखिए G20 का भी मेन पर्पस ये है क्योंकि हमने देखा कि नाइनटीन में बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज आ गए थे खासकर ये जो एशिया और एशियान के जो साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे ज्यादा इश्यूज आए थे तो इसके लिए उसके सारे जो गवर्नर्स हैं और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग हुई और इनकी मीटिंग के तहत ये जी ट्वेंटी को स्टैब्लिश किया गया अभी यहाँ पे भी जियो जी, जी सेवन है इसमें स्पेशल इकोनॉमिक इशूज जो हैं उसको एड्रेस करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है फाइन फिर आप देखेंगे क्यों उसको जी बना तो so, 1998 में रशिया को फॉर्मली इंडक्ट किया गया था एज अ मेंबर इन द ग्रुप व्हिच लेड व्हिच लेड जी7 टू जी8 ठीक है लेकिन जब 1998 में जी8 बना लेकिन उसके जस्ट बाद फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि जब रशियन प्रेसिडेंट आए व्लादिमीर पुतिन तो इनका इनका जो एक्शंस है खासकर यूक्रेन को लेकर जो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है लो और डोनेस्क का आपने सुना होगा ये दो नाम है ना और इसके बाद इन्होंने 2014 में तो हद कर दी इनको इन्होंने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया यानी कि क्रीमिया को इन्होंने अपने में शामिल कर लिया हड़प लिया क्रीमिया को इनका क्रिटिसिज्म किया गया ठीक है जी एट मेंबर्स द्वारा और उसके बाद रशिया को जी एट से सस्पेंड कर दिया गया रशिया को डाला गया था 1998 में है ना जी सेवन जी सेवन बना कब था 1975 में बना था रशिया को 1998 में डाला गया और 2014 में क्योंकि क्रीमिया का एनेक्ट हुआ तो रशिया को यहां से हटा दिया गया वापस से ये जी बन गया फाइन क्लियर है तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें जी सेवन जी ट्वेंटी सारे आपके जी जो है वो यहाँ पे मैं जी सेवन है जी है जी है जी ट्वेंटी जिसकी अध्यक्षता अभी कौन कर रहा है भारत कर रहा है है फाइन अब आज का मैपिंग जो है, आ, रोज हम लोग मैपिंग कर रहे हैं एक इंपॉर्टेंट जगह जो एग्जाम में आ सकता है उसको हम मैप में देख रहे हैं तो आज का मैपिंग है लेक बैकाल इसके बारे में आपको मुझे ये बताना है कि लेक बैकाल एक बार यूपीएससी ने भी पूछ लिया था क्योंकि एक मैगजीन आती है डाउन अर्थ है ना तो इसमें बताया गया कि लेक बैकाल श्रिंक कर रहा है पहले का जो मैप है लेक बैकाल का उसको देखेंगे जैसे ये जो बॉर्डर बनाया है पहले लेक बैकाल इतना ज्यादा फैला हुआ था और अभी आप देखेंगे तो इतना ज्यादा ये नैरो हो गया है तो इसके बारे में आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे बोलते ना कि ये डीपेस्ट है हाइएस्ट है या फ्रेश सबसे ज्यादा फ्रेश है तो लेक बैकाल का स्पेशल फीचर्स क्या है ये आप बताइएगा और श्रिंक करना क्यों स्टार्ट हुआ है क्यों छोटा होना स्टार्ट हुआ है ये बताइएगा ठीक है 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 रशिया में ये आपको मैप से दिख रहा तो आपके पास जो मैप है उसमें आप लेक बैकाल को स्पॉट कीजिएगा कि लेक बैकाल कहाँ पे है है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है फिर से आ सकता है न्यूज में रहता है लेक बैकाल सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेशन होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा जहां पे हमने वन लाइनर और जितनी भी चीज़ें आप कहते हैं द हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सेशन को देखिए जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की जा रही है है ना हिंदी न्यूज़पेपर भी हो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हो और ये तो था ही कि अभी बिहार के करंट अफेयर्स को ऐड करना है तो बिहार के करंट अफेयर्स को भी ऐड कर दिया गया है होपफुली आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा सेशन पसंद आया होगा थैंक यू फॉर दिस